ले चलते हैं आपको सोनभद्र की कुछ खास खबरों की ओर, जहां पर सोनभद्र में अधिकारियों की अनदेखी के चलते मंगलेश्वर धाम में श्रद्धालु भवन का काम 4 वर्ष बाद भी है अधूरा, अधिकारी नहीं दे रहे इस ओर कोई ध्यान। मंगलेश्वर धाम स्थल में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य मंत्री के गृह जिले भी में ही शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम चाची में पिछली बार 4 साल में भी मंगलेश्वर श्रद्धालु भवन का निर्माण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत चाची मंगलेश्वर में श्रद्धालु भवन निर्माण कार्य विगत 4 वर्षों से अधूरा पड़ा है। इसके बावजूद नगवा ब्लॉक निर्माण विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है। निर्माण मंगलेश्वर पर आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। यहाँ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को ना तो किसी प्रकार का लाभ मिल पाता है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा। ठेकेदार की लापरवाही और उदासीनता के चलते यहाँ श्रद्धालु भगवान के दर्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए कोई समुचित व्यवस्थाएं तक नहीं की गई हैं। सारा दिया जा रहा है हर धर्म स्थलों पे। ये मंगलेश्वर धाम है ऐसा कि यहाँ कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जंगल है तो रोड नहीं है, लोग आते हैं किसी तरह। सावन का महीना पवित्र चल रहा है, इसमें भी लोग यहाँ आने में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को सादर प्रणाम है। हम क्षेत्र के प्रतिनिधि से निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ की प्रमुख समस्या जल की है, जो लगभग संपूर्ण हो चुकी है, और रह गई सड़क की तो जल्द ही वो भी बन जाएगी। लेकिन ये शासन के द्वारा दिया गया है एक यात्रियों के लिए ठहरने के लिए जो फंड आया है, जो कि विगत कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, घूमने लायक का है, लेकिन इस तो है ऐसा। सरकार अगर इस पे ध्यान दे तो बहुत अच्छी। सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, रोड इस तरह का है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? रोड इस तरीके से है, कहीं ना कहीं कुछ हमारी प्रशासन शासन या कहा जाए विधायक सांसद इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। योगी जी कहना है हर स्थल तक सड़क बने, लेकिन अभी हमने आया था और रोड से बहुत केवल सोलिंग फेंक दिया गया है। सावन का माह चल रहा है, बहुत दिक्कत है कांवरियों को, सोलिंग पैर में लोगों को गड़ रहा है, बड़े बड़े सोलिंग निकली हुई है। हम कहेंगे कि कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे सुंदरीकरण का कोई कार्य नहीं हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो जगह बहुत सुंदर है और यहाँ जो भी भक्त आते हैं हर चीज़ हर तैयारी के साथ आते हैं। खाना बनाना हुआ, हर चीज़ जो भी हुआ वो अपना पूजा पाठ भी करते हैं और